नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज के संगम क्षेत्र में। दोस्तों, अभी आप हैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र में। प्रयागराज जो कि हिंदू धर्म का एक पौराणिक स्थल है, यहाँ तीन प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल माना जाता है। वर्तमान में गंगा यमुना तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, किंतु सरस्वती स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। सरस्वती नदी पाताल से यहाँ प्रवेश करती है, यह एक मान्यता है। दोस्तों, सरस्वती एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी है, इसे प्लाच्छवती देवती भी कहते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती भी के रूप में वर्णन मिलता है। यह नदी सर्वदा जल से भरी रहती थी और इसके किनारे अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती थी। कहते हैं यह नदी हिमाचल में सिरमौर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला तथा कुरुक्षेत्र से होती हुई पटियाला राज्य में प्रविष्ट होकर सिरसा जिले की दृष्टदत्ती यानी कि कंगार नदी में मिल गई थी। प्राचीन काल में इस सम्मिलित नदी के किनारे राजपूताना के अनेक स्थलों को जलसिक्त कर दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि प्रयाग के निकट तक आकर यह गंगा और यमुना में मिलकर त्रिवेणी बन गई थी। कालांतर में इन सब स्थानों से तिरोहित हो गई थी। फिर भी लोगों की धारणा है कि प्रयाग में अब भी अंतःसलिला होकर यह नदी बहती है। दोस्तों, आपको पता है भारत को त्योहारों की धरती कहा जाता है। हमारे देश में सभी धर्मों के त्योहारों की विशेष अहमियत है। आज देश में धूमधाम से बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी की पूजा का मुहूर्त सुबह 7:07 से दोपहर 12:35 तक का है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। माँ सरस्वती के जन्म उत्सव के चलते इस दिन ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर माँ सरस्वती का साज श्रृंगार करके उन्हें पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद माँ सरस्वती को खास तौर पर पीली रंग की चीज़ें जैसे खीर, हलवा और मिठाई का भोग लगाकर पूजा अर्चना की जाती है। कला के क्षेत्र से जुड़े लोग इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा करते हैं। दोस्तों, प्रयाग यानी इलाहाबाद में हर साल लगने वाले इस माघ मेले को कल्पवास भी कहा जाता है। देश के लगभग हर कोने से भक्तगण इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद में कल्पवास की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। यह विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। दोस्तों, प्रयागराज हिंदू धर्म का एक पौराणिक स्थल है, मैंने आपको बताया। दोस्तों, प्रयाग के मुख्य शहर को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है तथा यहाँ पे माघ मेला जो है हिंदुओं का एक सर्वाधिक प्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में यह मेला आयोजित होता है। दोस्तों, यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर मनाया जाता है।
दोस्तों, धार्मिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पारंपरिक हस्तशिल्प, भोजन और दैनिक उपयोग की पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री भी यहाँ पे की जाती है। धार्मिक महत्व के अलावा यह मेला एक विकास मेला भी होता है तथा इसमें राज्य सरकार विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, प्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि स्थलों का माघ मेला प्रसिद्ध है। कहते हैं माघ के धार्मिक अनुष्ठान के फलस्वरूप प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पुरवा को अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी। दोस्तों, पद्म पुराण के महत्व के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप जलकर भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार माघ मेले का धार्मिक महत्व भी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।